ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विराट कोहली ने लगाया शानदार शतक, जिसके बाद उनका सेलिब्रेशन देखने लायक था। और कोहली की पत्नी अनुष्का शर्मा भी उनके शतक के बाद काफी ज्यादा खुश नजर आई और उनके लिए तालियां बजा रही थी। जी हां दोस्तों, दरअसल पर्थ टेस्ट मैच में आपने देख ही लिया होगा कि इंडिया पूरी तरह से मैच पर पकड़ बना चुका है। और इसी बीच विराट कोहली और नीतीश कुमार रेड्डी ने ताबड़तोड़ अंदाज में बैटिंग करते हुए टेस्ट को वनडे क्रिकेट बनाकर रख दिया और ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के पसीने छुड़ा दिए। ये विराट कोहली के टेस्ट करियर का 30वां शतक है और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनकी 9वीं सेंचुरी है। अपने इस शतक के बाद अब कोहली इंटरनेशनल क्रिकेट में 81 शतक तक पहुंच गए हैं। अपनी सेंचुरी पूरी करते ही किंग कोहली का सेलिब्रेशन देखने लायक था, क्योंकि कोहली ने आखिरी शतक इंडिया में हुए वनडे वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के खिलाफ लगाया था, यानी आज एक साल बाद उनके बल्ले से दोबारा शतक निकला है। दोस्तों विराट कोहली के इस शतक पर आप क्या कहना चाहोगे, आप भी कमेंट जरूर करें।